नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, मतलब फैंसी नैंसी व्लॉग्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन। कोई प्लान नहीं था, सुमित का बर्थडे है कल, और बस बर्थडे के लिए कोई भी प्लान नहीं था, अचानक से एकदम से प्लान बन गया बस वृंदावन जाने का। तो अब हम लोग बस पैकिंग में लगे हुए, पैकिंग करके और फटाफट से निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहे और मैं आपको बताती रहूंगी कैसी रही हमारी पूरी ट्रिप और क्या क्या हुआ वहां पे। चलिए सब निकाल दिया उसके। ऐसे मत कहो। गुड मॉर्निंग, पहली बात क्योंकि बहुत सुबह सुबह उठ गए हम, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, मथुरा और शायद आगरा। तो उसके लिए हम लोग सब रेडी हो चुके हैं 4 बजे ही उठ के, और अभी तक तो थोड़ा 6 या आई थिंक पता नहीं 7 बज रहे हैं, लेट हो गए निकलने में सब लोग। ये पैकिंग शैकिंग, पैकिंग तो हो चुकी, गाड़ियों में डाल रहे हैं, 2 गाड़ी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं वृंदावन। जय श्री राधे। ये देखो भाई, ट्रिप शुरू होते ही पंचर। अभी कितनी दूर आए हम? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आए और पंचर लगवाना पड़ रहा है। दूसरी गाड़ी तो 30 किलोमीटर तक पहुंच गई होगी। 1 घंटा यहाँ पे वेस्ट हो गया बीच में। तो भाई आधे रास्ते सोने के बाद कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। को लेना पड़ेगा। इतनी बुद्धि क्यों जन्मदिन है मेरा। ये भाई आ गए मेरे वेज सैंडविच, इन्हें फटाफट खाते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है, बहुत ही बेकार कहना नहीं चाहिए खाने को, पर था नहीं टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी। सबको ही सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी आती, बट ठीक है, खा लिया, पेट भर गया। अब हम लोग चल रहे हैं, बस 1 घंटे का बच गया है सफ़र और फिर पहुंच जाएंगे वृंदावन। अंदर कुछ गाड़ी पार्किंग में लगा के बैठ गए इस टुक टुक में। अब म्यूजिक इंडस्ट्री के नए कलाकार, बड़ी वाइब मैच हो इनकी आने वाले कलाकार। कर देना, देखो हमसे फेम बर्दाश्त नहीं होगा। हंस रहे पापा पे हैं? नहीं, जोक पे। क्या इंदर 10 रुपए माता के मंदिर में दान करते, माता इनकी मनोकामना पूरी करे, बोलो जय माता दी। वृंदावन में आते ही सबसे पहले हमारा स्वागत हो गया इन बंदरों से। बहुत शैतान बंदर होते हैं ये। कोई भी चीज अगर आपके हाथ में दिखेगी इन्हें टंगी हुई, ये लेके भाग जाते हैं। और इन्हें पता है कि अगर खाने की कोई चीज़ नहीं हुई तो इनको एक फ्रूटी का डब्बा दो, फ्रूटी दो इन्हें, और उसके बदले में फिर वो आपका सामान छोड़ते हैं और तब लेना पड़ता है। और ये देखो भाभी का पर्स,
एकदम से हम जैसे ही रिक्शे से उतरे, भाभी का ये पर्स ये उठा के और ऊपर छत पे चढ़ गया। तो इसको बंदर को तो अपने काम की चीज़ कोई भी नहीं मिली इसमें। लेकिन इतनी देर में, जैसे ही वो बंदर जाते हैं, इतनी देर में आसपास के थोड़े बच्चे होते हैं वो भी चढ़ जाते हैं बंदर के साथ साथ ही। हमें लगता है वो हमारी हेल्प करने के लिए चढ़ रहे हैं, बट वो हमारी हेल्प करने के लिए नहीं चढ़ रहे होते पर्स में से। एंड मोमेंट तक हमें यही लगा था हमारा पर्स बचाने जा रहे हो, लेकिन जब पर्स मिल गया उसके बाद जब देखा तो उसमें से पैसे गायब थे, सारे 1500-2000 रुपये गायब थे। वो जो लड़का चढ़ा हुआ था जिसने बचाया पर्स, जब तक हम चढ़ रहे थे हमसे पहले ही चढ़ गया वो। जो भी बंदर ने पैसे निकाल रखे थे पर्स में से सारे अपने जेब में ले गया और वो भाग गया। तो जब भी वृंदावन जाओ अपने बैग्स पर्स और जो भी पॉलीथीन हाथ में हो, कोई भी इंपॉर्टेंट सामान हो, इवन चश्मे भी उतार के ये लोग लेके चले आते हैं बंदर। लेकिन बंदरों से भी ज़्यादा बुरे होते हैं ये लड़के जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो इनसे बच के रहना। अब जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर और आराम से कर लिए दर्शन। हाय बोल दो। ठीक है। और फिर ये कुछ प्यारे से सब्सक्राइबर्स मिल गए जिन्होंने मुझे आके हाय बोला। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग निकल गए निधि वन के लिए। पहले ये गन्ने का जूस पिया ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, बहुत गर्मी थी। इनका चेहरा ही बता सकता है कि कितने परेशान थे हम गर्मी से। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं निधि वन, जहाँ पे आपने सुना होगा कि कृष्ण जी और राधा जी रासलीला मतलब डांस करते हैं रात को आके शाम को, तो इसलिए 4:30 बजे बंद करते थे मंदिर। और अभी ऑटो वाले भैया भी यही बता रहे थे, तो चलो दिखाती हूँ कैसा है ये अंदर से निधि वन। भाई निधि वन तो है बंद, अभी 4 बजे खुलेगा, हम जल्दी आ गए, 1:30 बज रहा है शायद अभी। तब तक कोई नहीं, और मंदिर घूम लेते हैं, खीरे वीरे खा लेते हैं। देखो तो निधिवन खुलने वाला था 4:30 बजे और हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ था, 2-3 घंटे आराम से थे। तो हमने सोचा कि तब तक हम बोटिंग कर लेते हैं। और अगर आप भी वृंदावन आके यहाँ बोटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दूंगी, जहाँ से निधिवन स्टार्ट होता है वहाँ से आप बोट्स ना लें। वो आपको रेट्स बताएंगे 200 रुपये पर पर्सन, 200 रुपये 300 रुपये अलग अलग रेट्स बताएंगे। बट अगर आप जैसे जैसे आगे जाओगे, थोड़ा सा आगे वॉक करके जाना, वो 200 रुपये की जगह रेट हो जाता है 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपीज़। तो इतना ड्रास्टिक चेंज होता है प्राइस में। तो आप वहाँ स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ना लेके थोड़े से आगे जाके वहाँ से बोट्स ले लेना, बहुत सस्ती होती है, सेम बोट्स होती है और सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करवाते हो। बोटिंग करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा आसपास का एरिया खुद से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम लोग बस निकल पड़े वृंदावन की गलियों में, बहुत सुंदर गलियाँ थी, इतने पुराने पुराने घर बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इन गलियों में से निकल के हम लोग पहुँच गए घाट पे। ये देखो भाई, सब कहते हैं लड़कियाँ फ़ोटो खिंचाती रहती, हम सारी लड़कियाँ यहाँ खड़ी खड़ी वेट कर रही है और ये दोनों फ़ोटो शूट में लगे हुए हैं, बेचारे रौनक की रेल बना दी। टाइम पास कर रहे भाई अभी, आज टाइम पास कर रहे हैं निधिवन खुलने का वेट। राधे राधे गैंग्स ऑफ वासेपुर। रोने क्यों लग गया, मम्मी को धक्का दे रही इसलिए, पिटाई कर दे चाचू की, देर लगा सब के लिए मजाक कर दे पिटाई। देसी देसी ना बोल कर छोरी रहे, बंदर बंदर बंदर, ओ भाई है, ओ भाई है, ओ भाई है, ओ भाई दिनेश नीचे गिरा रहे थे भाभी को, तो बिंदर मुझे नीचे गिराने लग गए। और बस ऐसे ही मस्ती करते करते हमारे 2-3 घंटे कट गए। एंड हम फाइनली आ गए निधिवन में। तो निधिवन कुछ इस तरह से दिखता है, पूरा जाली से कवर्ड था, पहले ये कवर्ड नहीं होता था ऐसे जाली से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बंदर हो गए होंगे इसलिए इन्होंने कवर्ड कर दिया। ये पेड़ है ना सारे होते हैं एक दूसरे से और लिपटे हुए, इकट्ठे हो जाते हैं, जड़ हो जड़ से जमा हो राम में भी मरे पेड़। हां राम में पेड़ है, जड़ के पेड़ ना बुआ पेड़ है, छोटी जड़ का तो सारा पांव है। दादा यहां पे कहते हैं शाम को पंछी भी उड़ता है।
हेलो नजर मोबाइल जा रहा है वीडियो का चक्कर में ना ये ना रही है बहुत रोशन है आपके पास फोन ले जाएगा कुआ निधिवन का कुआ ये यहाँ एक बढ़िया मस्त कूलर मिल गया मजा आ गया गर्मी में इस कूलर की आवाज से नहीं करा मैंने पैर ही नहीं लगा ऐसे तो ब्लॉग करूँ मैं ऑन करके ब्लॉग बना रही थी आगे इन्होंने बताया कि वीडियो तो बंद है जल्दी रास्ता खाली करो चलो चलो ओ पैर में काटा लग जा निधिवन होने के बाद हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी थी और फिर ये बहुत सारा अनहेल्दी सा खाना खा के हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे उससे पहले जान लो इस कमज़ोर इंसान ने क्या क्या खाया सब कुछ खा लिया जितना जो आया था बता तो दे सब खा लिया शर्मा आ गया चार पिज्जा की स्लाइस खा ली अपना डोसा खा लिया उसके बाद आधा पनीर रोल भी खा लिया कोल्ड कॉफी भी पी ली पानी भी पी लिया और कोल्ड ड्रिंक के तो हाथ नहीं लगाया डोसा तो खा लिया उसके बाद दो कटोरी सांभर खा लिया भटूरे आदमी नहीं लगाया तो एक काम कर रहे ये आदमी बैठे नहीं इन्हें भी खा ले देखो भाई प्रेम मंदिर सबका फोटो सेशन चल रहा है शाहरुख खान दिन होता है एंड तो आज हमने सारे मंदिरों पे घूम लिया है जो जो वृंदावन के थे मेन टेंपल्स ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है यहाँ जो सारे के सारे घूमना आई डोंट थिंक पॉसिबल है इजीली तो हम जो जो मेन मंदिर थे वहाँ सब में घूम लिए अब कल हम लोग जाने वाले हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए सो अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद जाते हैं अपने गोवर्धन की परिक्रमा के लिए और वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट अपने
अपने पार्ट के नहीं अपने व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं अपने व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी हमारी परिक्रमा और बाकी की चीज़ें हम क्या क्या करते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। और ये व्लॉग वाले चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी बाय।